जनाब अबू बकर रजी अल्लाह तआला नु मदीने पाक से बाहर निकल गए। वहां पर एक यहूदियों का जलसा हो रहा है, दीन के दुश्मनों का जलसा हो रहा है, इस्लाम कुरान के दुश्मनों का एक जलसा है। एक यहूदी ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर गालियां दी और एक बात कही उस यहूदी मुकर्रर ने, यहूदी रहनुमा ने। उन्हीं दिनों में इस्लाम में ज़कात का हुक्म आया था कुरान में। यहूदी कहने लगा, देखा कि नहीं, लग गया चंदा मांगने तुमसे, पहले तुम्हें कलमे पढ़ाए, तौहीद मनवाई, अपनी रिसालत मनवाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब लग गया माल बटोरने के, नहीं ज़कात दो, ज़कात दो। और यहूदी कहने लगा कि दो दो बातें करता है ये नबी नऊज़ु बिल्लाह। उधर कहता है अल्लाह बड़ा बेपरवाह है, खजानों का मालिक है, उधर कहता है अल्लाह ज़कात मांगता, अल्लाह भूखा है कोई, अल्लाह नू की लोड़ पैगी ज़कात दी, वो कोई भूखा मरदा है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नू पास से गुजर रहे थे। अब अगर तुम में से वहां कोई होता ना तो कहता अपनी जुबान गंदी पिया करता है, सानू की है, साडा की जानता, अपनी जुबान गंदी पिया करता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक, सच्चा दीवाना, सच्चा परवाना ना सुन सका, ना बर्दाश्त कर सका, आगे बढ़ा और बढ़कर उस यहूदी पीर के, यहूदी मौलवी के, यहूदी लीडर के मुंह पे थप्पड़ मारा, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। फरमाया बदतमीज, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, उस मौला की शान में बकवास करता है। ये दीन के दुश्मन बुजदिल बड़े हुआ करते हैं, अगर दीनदार थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करें तो ये बड़े जल्दी भागते हैं। वो तो नीचे गिर पड़ा और जो जलसे में सुनने वाले थे ना वो सारे भाग गए, हालांकि वो देख रहे थे कि अबू बकर अकेला है, मगर फिर भी भाग गए कि अकेला बेशक वो है नबी का आशिक, वो भी जानते थे। अब जाके मीटिंग की, मशवरा किया, करे लगे चलो नबी के दरबार में चलो, बदला दिलवाएंगे नबी के यहां। ये भी जानते थे बदबख्त के नबी के यहां फैसला सच्चा होता है, ये भी जानते थे। और चल करके वहां दरखास्त दो, उजर करो, अपील करो, और रो सारे के जी इतना बड़ा जुल्म हो गया, इस बेचारे के सर में दर्द है, आंख निकलने को हो रही, और जिसको थप्पड़ लगा था ना उसको सिखाया कि जब नबी बदला दिलवाएंगे ना सिद्दीक अकबर के नऊज़ु बिल्लाह मुंह पर ऐसा खींच के मारियो थप्पड़ आंख निकल जाए। आए हैं सारे दरबार रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे होकर, गजब हो गया जी, कहर हो गया जी, तौबा तौबा, इस हमारे पीर मौलवी के सर में दर्द हो रहा है, जब तक आंख करीब की निकल गई सिद्दीक ने मारा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने पहचाना नहीं होगा, ये काम तो मेरा उमर किया करता है, ये काम तो मेरा फारूक किया करता है। वो कहने लगे जी अंधेरे की बात नहीं, दिल था तेरा, सिद्दीक था, उसने मारा है। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लिया मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और बुला के फरमाया ओ मेरे सिद्दीक, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं खता कोई नहीं, गुना कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं, बगैर किसी वजह के सिद्दीक ने थप्पड़ मारा। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाने लगे ये कमीना अल्लाह की शान में बकवास करता था, अल्लाह को कहता था कि खुदा भूखा है, अब भी लोग बकवास कर देते हैं। मुद्दतों की बात है, यहां चौक बीसी पे एक कारखाना था, वो तो कारखानेदार मेरे पास आकर के कहने लगा जी कारखाने में आग लग जाती है हर दफा क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह के नाम पे सदका कर दे, खैरात कर दे। कहने लगा अच्छा, अल्लाह में अभी रिश्वत लेता है? यकीन करना वो अभी कारखाने में नहीं पहुंचा था, सारा ही जलकर खाक हो गया। बकवास करते हैं लोग दीन ईमान के बारे में, डरो उसके कहर से। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला नु फरमाने लगी इसे अल्लाह पाक के शान में गुस्ताखी की थी, मैंने इसलिए मारा और बात कोई नहीं। वो कहने लगे नहीं जी नहीं, हमने
कुछ भी नहीं किया। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अबू बकर तेरा कोई गवाह है? कोई गवाह पेश करके इन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी। फरमाया जी मां तो कोई जाया ही करता ना, इलाका ही इनका, मैं तो यूं ही फला काम से गया था, मेरा गवाह कोई नहीं, सारे यही थे वहां। अबू दरबो जोर लगा रहे हैं, जल्दी बदले का हुक्म दो जी, हाय जल्दी बदले का हुक्म दो जी। ये जितने भी सहाबा के दुश्मन होंगे ना, ये रो रो के बात करेंगे, ये निशानी है, पहले रोएंगे फिर बात करेंगे। अब सरकार परेशान है कि सिद्दीक के पास गवाह नहीं, उधर वो तकाजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, बदला दिलवाओ जी, कोई खता नहीं, कोई गुनाह नहीं, खाम खामारा। अल्लाह गानी आवाज आई, ओ मेरे महबूब जल्दी ना कर, या अबू बकर सिद्दीक हो या इसकी बेटी सिद्दीका हो, इनको जब गवाहों की जरूरत पड़ेगी तो मदीने के गवाह की जरूरत नहीं, मक्के के गवाह की हाजत नहीं, अंसार महाजरीन के गवाह की जरूरत नहीं, ओ काली कमली वाले इनको जब भी गवाह की जरूरत पड़े मैं खुदा गवाह बनकर खुदाऊंगा। मैं खुदा गवाह बनकर आऊंगा, इस घर का गवाह मैं हूं। कुरान मजीद आ गया, फरमाया लकद समी अल्लाह कौल अल्लज़ीन कालू इन्नल्लाह फकीर। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुदा गवाही देता हूं, मैंने सुना ये कहता था खुदा फकीर है, खुदा मोहताज है, व नहनु अग्निया हम अमीर है, सनक तुबु मा कालू व कत्लहुमुल अंबिया। मेरे महबूब मेरे रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, इन्होंने जो बकवास की मैंने लिख लिया, और ये तो वो जालिम है जिन्होंने हजारों नबियों को कत्ल किया, हजारों नबियों की गर्दनें काटी, हजारों नबियों को सताया, वल्ला नु नकुलु ज़ूकु अज़ाब अल हरीक। इनके लिए तो मैंने अज़ाब तैयार कर रखा है। मेरे महबूब गवाह मांगते हो, सिद्दीक का गवाह मैं खुदा हूं। इस पूरी कायनात में सिद्दीक अकबर के सिवा और कौन कह सकता है जिसके बारे में खुदा ने यूं कहा हो कि मैं गवाह हूं और मैंने सुना है और मैं कहता हूं। यही वजह सिद्दीक कायनात जनाब आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाकये में हुई, जो मुनाफिकों ने बहतान बांधा, इल्जाम लगाया, शोरिश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को सिद्दीक के घर पहुंचा दिया। हजरत आयशा सारी रात रोती है, मौला तू जानता है मेरी पाक दामनी को, और मेरी तो समझ नहीं काम करती, आप लोग अपने बेटे के लिए शरीफ नू तलाश करते हैं, अपनी बेटी के लिए शरीफ लड़का तलाश करते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए अच्छी लड़की तलाश नहीं की? तुझे अपना बेटा प्यारा है, खुदा को काली कमली वाला प्यारा नहीं? मेरा अकीदा और ईमान है नबी ने कोई रिश्ता खुद नहीं किया, सारे पैगंबर के रिश्ते खुदा ने किए। आज रिश्ते या मामे करेंगे या नाने करेंगे या खाला करेंगी या बुआ फूफी करेंगी, बहन बहनोई करेंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे रिश्ते खुद खुदा ने किए। इसलिए मैं कहता हूं मेरे नबी के यार भी निराले, मेरे नबी के रिश्तेदार भी निराले। और यह अबू बकर कमाल है, खुदा ने तो आगे चल करके बात कह दी कि ये तो वो जालिम है जिन्होंने हजारों नबी कत्ल किए हैं। जालिका बिमा कद्दमत अईदीकुम व अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल-अबीद। इन्होंने इतने बड़े बड़े जुल्म ढाए, इन्होंने इतने बड़े बड़े बेइंसाफियां की, मैं खुदा जानता हूं जब मैं इनको पकड़ूंगा तब पता चलेगा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो कुर्बानियां हैं
अगर थोड़ा सा कलेजे पे हाथ रखो सारी उम्मत में सबसे अफजल। बेटियों वाले बैठे हो, धियों वाले बैठे हो, बहनों वाले बैठे हो, हर आदमी अपनी बेटी का बहन का रिश्ता करते वक्त जोड़ देखता है, वर देखता है कि जोड़ भी मिलता है कि नहीं, वर भी है कि नहीं। और खुदा की कसम सिद्दीक तेरे इश्क का क्या कहना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल है और सिद्दीक की बेटी की उम्र 6 साल है। बजाहिर को जोड़ नजर आता है। और सुनो, दो बीवियां घर में हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और चार बेटियां बैठी हैं दरवाजे पे, ऐसी सूरत में अपनी धी कौन पेश करेगा? उम्र का ये हाल हो और घर का ये हाल हो कि आगे दो सौकने और हैं, चार बेटियां बैठी हैं, मगर नहीं सिद्दीक अकबर तो वो जवान है जो कहता है मेरा माल भी आका तेरे लिए, मेरा मेरी आल भी तेरे लिए। सिद्दीक तो उन लोगों में से है जो कहता है बुराक थके जिब्रील रहे, रब रब भी आगे जा न सके, रब उदनो हबीबी मिलनी कहे, रब उदनो हबीबी मिलनी कहे, तेरे कुर्ब खुदा का क्या कहना। सिद्दीक कहता हूं मेरे आका मेरा कुछ भी नहीं, मेरी जान भी तेरी, मेरी आल भी तेरी, मेरा माल भी तेरा, मेरी दुनिया भी तेरी, मेरा दीन भी तेरा, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। यही वजह थी कि जब हिजरत की रात आई, हुक्म मिला हिजरत वाली रात में कि अब आप मदीने की तरफ हिजरत फरमाएं, तशरीफ ले चले वहां से, मक्के से, यहां से, अल्लाह पाक के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया मेरे मौला मैं हुक्म की तामील करने को तैयार हूं, मैं मक्का छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अभी मक्के से चला जाता हूं, पर मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, छुहारे हैं, कपड़ा है, सोना है, चांदी है, पैसे हैं, मुझे अमीन समझकर, जानतदार समझकर अमानत मेरे पास रखी है, उनका क्या बनेगा? मैं फौरी और इस वक्त उनको कैसे वापस करूं? आवाज आई मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारा इंतजाम करके फिर हुक्म दिया है, फरमाया ये जितनी अमानतें हैं ये सब के सब शेर खुदा अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करो। पता ये बात नबी ने क्यों कही कि अगर किसी की अमानत रह गई तो कल किस मुंह से खुदा का कुरान सुनाऊंगा? लोग कहेंगे अमानत में ख्यानत करता है, उधर कुरान की बात करता है। कभी हम मुसलमानों ने भी यह बात सोची कि उधर हम कलमा पढ़ते हैं, उधर कुरान पढ़ते हैं, अगर बदजानती करेंगे तो कयामत में हमें खुदा क्या कहेगा? आवाज आई मेरे महबूब शेरे खुदा को सामने लाओ रजी अल्लाह तआला, बड़े ऊंचे दर्जे वाला, बड़ी शान वाला अली मुर्तजा, मक्के वालों का सोना है अली तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों की खजूरें तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मक्के वालों का पैसा टका तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले, पर अबू बकर मेरी नबूवत वाली अमानत मेरा महबूब तेरे हवाले। मेरा महबूब तेरे हवाले, मेरी अमानत, मक्के वालों की अमानत अली के हवाले, खुदा कहता मेरी अमानत सिद्दीक तेरे हवाले। बात तो बड़ी नुक्ते की मेरे जहन में आई हुई है, आप लोग तवज्जो नहीं करते, दीन की बातों को समझने के लिए कुछ अकल भी लगाया करो। सारा जहान कहता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे हजरत अली कह दो सो गए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बिस्तर पे
सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस पकड़ के ले जाए मां बाप को नींद आती है? कोई अगवा करके ले जाए मां बाप को नींद आती है? दो बातों में से एक है समझो, या हजरत अली को इतनी तसल्ली हो गई कि रात तो है खतरनाक हिजरत वाली, कोई और हुजूर के साथ होता तो परेशानी थी, मैं भी होता तो परेशानी थी, अब चूंकि साथ सिद्दीक है इसलिए रात बेशक खतरनाक है, सारा मक्का पकड़ने वाला, सारा मक्का दुश्मन है, इसलिए कोई भी बात नहीं, जब सिद्दीक साथ है तो खतरा ही कोई नहीं। उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे मौला ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं। उसी रात को मक्के वालों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ था। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, जिस वक्त अबू जहल उन सारे अपनी फौज को तैयार कर रहा था ना, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना, निकल ना जाए, भाग ना जाए, चला ना जाए, नबी बच ना जाए, और अपनी फौज को बाकायदा ये हिदायत देकर तकड़े करके मजबूत करके फिर वापस आया, कह दो खुदा ने बुलाया, कह दो खुदा ने बुलाया। आके कहने लगा कि एक कुआं भी इधर खोद दो जमीन में, ऊपर कान्ने रखो, अगर निकलेगा भी तो इसमें गिर पड़ेगा। फिर चला गया, फिर वापस आया, अल्लाह में बुला रहा है ना, कहने लगा कि इस कुएं में अगर गिर जाए और यूं कहे मेरा नाम ले या किसी और का नाम ले, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, खुदा कहलवा रहा है। अबू जहल सरदार मक्के का जाके सो गया, दिल में आई चलू देखूं तो सही फौज सो ना गई हो। जब उस कुएं के पास से गुजरने लगा, याद ही नहीं रहा, धड़ाम से उसमें गिरा, धमाका हुआ ना, सारी फौज आके थे पत्थर, अरे मैं तो मक्के का चौधरी हूं, अरे मैं तो अमर इब्ने हशाम हूं, अरे मैं तो तुम्हारा हूं। वो कहने लगे देखा हमारा चौधरी कच्चा था ना, कि हम में से किसी का नाम लेगा, और मारो और मारो, मार मार के गंजा कर दिया। बड़ी बेलियां साथ है उसकी, इसलिए मालिक की कायनात ने हुक्म दिया, मेरे महबूब आज रात को चलो मक्का छोड़ दो, इलाही कैसे निकलूं, ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं, मुझे पकड़ लेंगे। फरमाया ओ मेरे महबूब, काली कमली वाले मारने वालों से बचाने वाला टकरा है। ऐसा करें, आप एक मुट्ठी मिट्टी की भरके इनकी तरफ फेंक दें, या अल्लाह ये तो चारों तरफ खड़े हैं, मैं किस किस की तरफ फेंकूं। फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ओ काली कमली वाले हाथ तेरा होगा, ताकत मेरी होगी, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये जितने भी खड़े हैं चारों तरफ के खड़े होने वालों की आंखों में मैं पहुंचा दूंगा। अब आपने मुट्ठी भर के मिट्टी की तरफ फेंक दी, सौरों की आंखों में सुरमा गल गया, आपस में खड़े थे ना, अब हवा नहीं, कोई आया नहीं, गया नहीं, एक दूसरे को बराबर वाले को कहने लगे क्यों मैं बदमाश, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। उन्होंने कहा वाह, पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर बकवास शुरू कर दी, और पड़ी तो सभी आंखों में थी ना, जो लगे चारों तरफ कुश्ती करने, एक दूसरे की पालिश करने, आवाज आई मेरे महबूब ये सारे धंधे लग गए हैं, अब चलो। और कईयों को तो सुरमा ऐसा डाला ना, आज तक नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने अर्ज किया मेरे मौला मैं कहां जाऊं, इस हुजरे से निकलकर कहां जाऊं, इस खतरनाक सफर का साथी किसे बनाऊं। आवाज आई मेरे महबूब मैंने तेरे लिए कभी से सिद्दीक को तैयार कर रखा है। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ,
सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले? फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा खा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। रखा है सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले? फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा खा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया सिद्दीक जी हुजूर, कोई सवारी तैयार करना? आका सवारी तो एक अरसे से तैयार कर रखी है, कोई ऊंट कोई घोड़ा कोई खच्चर नजर सो आता नहीं। अल्लाहु अकबर, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कमर पे हाथ रख दिया, अर्ज किया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है, काम दूंगा मैं आपको लेके चलूंगा, जल्दी करो जी जल्दी है। तशरीफ ले जाते याद भी रखा करो इन बातों को। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की छोटी सी बेटी है सैयदा असमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, यूं रहमत वाला सर पे हाथ रखा, साली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया असमा बताना नहीं हम कहां गए किधर गए हैं। उन्होंने कहा का बेफिक्र रहो, कीमा बन सकता है सिद्दीक की बेटी नबी का पता नहीं बताएगी। तशरीफ ले गए मक्के वालों ने फौरन आया अबू जहल आके देखता क्या है, वो पिछली बात सोचो अबू जहल आया ना सरदार आए, आके देखा तो वो मक्के के नौजवान आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे की मालिश करने पालिश करने। वो कहता तूने मेरी आंख मिट्टी फेंकी, उन्होंने कहा तूने पहले फेंकी है, उन्होंने कहा इधर वाले ने फेंकी है उधर वाले ने फेंकी, लगे हुए आपस में। अबू जहल आके कर दिया ना काम खराब, लग गए आपस में। उन्होंने कहा चौधरी साहब मेरी दोनों आंखों मिट्टी फेंकी इसने, दूसरा कहने लगा इसने ऐसी मिट्टी फेंकी मुझे अब तक नजर नहीं आता। जानता तो था अबू जहल कि इनमें से किसी ने नहीं फेंकी है किसी और ने फेंकी है। उन्होंने कहा अच्छा मैं अंदर जाके देखता हूं, चुपका सा उजरे में गया, वाली मुर्तजा शेर खुदा को हुजूर के बिस्तर पर सोए हुए देखा। कुर्बानी ये भी कम नहीं, खतरनाक रात में जिसके कत्ल का मनसूबा हो वहां सोना कोई आसान है? हम उन लोगों में से नहीं जो अहले बैत की शान को घटाएंगे, सहाबा किराम का मकाम ऊंचा, अहले बैत अज़्ज़ाम का मकाम ऊंचा। जब हुजूर अपने हुजरे में न मिले फिर मक्के वालों की अकल देखो, मक्के वालों का फहम देखो, उनकी समझ देखो, उनकी समझदारी देखो। सारे मक्के की चौधरी सरकार को तलाश करने के लिए बिलाल के मकान पे लग गए,
सुहैल के मकान पे ना गए, उस्मान के मकान पे ना गए, तलहा जुबैर के मकान पे ना गए, अब्दुल रहमान इब्ने औफ के मकान पे ना गए, अबू ज़र ग़फ़ारी के मकान पे ना गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे सारे आए। अरे चलो, कारी हनीफ की नहीं मानता तो ना मान, कुरान की नहीं मानता तो ना मान, चल मक्के वालों की मान जा। मक्के वालों का भी यकीदा, किसी मोहल्ले में नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, किसी के दरवाजे पे नहीं गए, सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आए हैं। मक्के वालों का भी अकीदा, चलो अगर नबी अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहां जरूर मिलेगा, इसलिए कि नबी और सिद्दीक में जुदाई मुमकिन नहीं। ये एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, वहीं मिलेंगे। कुंडी खटखटाई है आके, सैयदा असमा निकली हैं बाहर। नगा का की बेटी जी, किधर है तुम्हारा नबी, तेरा अब्बा कहां है? दुनिया के तारीख दान ये साबित नहीं कर सकते कि खतरनाक मुश्किल सिद्दीक की, फिर भी झूठ नहीं बोला। अबू बकर की बेटी ने फिर भी झूठ नहीं बोला। हाजियों नमाजियों और जन्नत के ठेकेदारों, हम झूठ के बगैर सांस नहीं लेते। शर्म करो, हया करके दरिया में डूब के मर जाओ। मुंह पे चिट्टी दाढ़ी है लेकिन झूठ बोलना, असी बड़े सियासतदान है जी, एवे लोग लाल आ दें। लानत फरमाई खुदा ने झूठ बोलने वाले पे। अंदाजा लगाओ, इससे बड़ा मुश्किल घर के मुश्किल मकाम क्या होगा। बात नबी की है और कत्ल का मनसूबा है, बाप की बात है और वो छोटी सी बच्ची है और रात है, अंधेरा है, अकेली है, वो खड़ी होके कहते हो मक्के वालों जा, तुम्हारी छुट्टी है, तुम नबी का पता सिद्दीक की बेटी से पूछ के दिखाओ। ना जरा सोचो ना, ये भी तो कह सकती थी ना, मैं तो सो गई थी, मुझे तो जाने आने का कोई पता ही नहीं, मैं तो तुमने कुंडी घटघटाई तो उठी हूं, मुझे नहीं पता हमारे घर में कौन आया कौन गया। ये अगर कह देती तो उसका क्या बिगड़ता था, मगर सिद्दीक का खून है, कैसे झूठ बोले। उमैया बिन खलब कहने लगा, काकी सीधी सीधी तरह बता वरना परखचे उड़ा दिए जाएंगे। आगे भी अबू बकर की बेटियां कहने लगी, जाओ तुम सारे चौधरी हो, मैं जानती हूं, मक्के के सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे पहलवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे मक्के के बहादुरों को बुला ले आओ, और उस मौला की कसम है जिसने मुझे सिद्दीक की बेटी बनाया, मेरी काली कमली वाले का पटा पूछ के दिखाओ। जाओ जाओ बोला, काम करो, चौधरी हो तो तुम क्या है। और ये बात गुफ्तगू में खत्म नहीं हुई। अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पटाख से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले, चौधरी बोल बताएगी कि नहीं। कहने लगी, कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। ओ मक्के वालों, मैं चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूं महबूबे कायनात के लिए। जाओ जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मान जा भी वरना और मारेंगे। असमा कहती है, उल्फत में बराबर है
वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है गर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है, छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गार में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फरमाया आसमा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया? का कुछ नहीं। फरमाया हां हुआ तो है कुछ, बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई, या अल्लाह अबू बकर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू ये सब पे करम फरमा।